वेलकम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा वेबिनार है कैस्टर के अंदर, दिवेलिया के अंदर कैसे उत्पादन को 40% से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कि आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया और आपके कैस्टर के दिवेलिया के खेती के में मेजर कंसर्न क्या है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो भी कंसर्न है वो सब कवर अप कर लेंगे इसमें। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम समीर अलावादी है। पढ़ाई मैंने करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। 22 साल का अनुभव है मुझे एग्रीकल्चर के अंदर। मैं उत्कर्ष एग्रोगेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। लास्ट 22 सालों में मैंने एज ए कंसल्टेंट काम किया है, खास करके क्रॉप्स जैसे कि केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, अमरूद, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIMMU और EDI के अंदर, जहाँ मैं एग्रीकल्चर से लगती बातें करता हूँ। हमारी जो कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम, वो रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है, 130 से ज्यादा नॉन पॉइजनस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाती है। हमारी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसके अंदर हम लोग पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगा के देते हैं, मियां बाकी फॉरेस्ट बनाते हैं, लैंडस्केपिंग करके देते हैं। और ये दोनों कंपनी हमारी सूरत से है। दोनों की वेबसाइट है www.utkarshagro.com और www.treeswale.com। अब हम देखते हैं कि कैस्टर की प्रॉफिटेबल खेती करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। आज हम देखेंगे कैसी क्लाइमेट चाहिए, कैसा सॉइल चाहिए, बुआई कैसे करनी चाहिए, क्या खाद की जरूरत है, अंतरखेड़ कैसे करते हैं, पानी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अलग अलग तरह के रोग जीवात का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में बात करेंगे। वातावरण, क्लाइमेट, नॉर्मली कोई भी तरह के हाइट में, काफी सारी तरह के हाइट में हो सकता है। सी लेवल से लेकर 1000 मीटर की हाइट सी लेवल से होती है, वहां पर कैस्टर आराम से होता है। कैस्टर को नॉर्मली गर्म और सूखा क्लाइमेट, जिसकी रेनफॉल 500 से 800 mm के बीच में होती है, जिसमें से मेजर 500-600 उसे पहले 3 महीने में चाहिए रहता है ग्रोथ करने के लिए। कैस्टर जो है वो एक आदर्श क्रॉप है छोटे किसानों के लिए, और खास करके ड्राई सूखे एरिया के लिए, जहाँ पे वो उगाया जा सके, बरसाती सीजन में भी उगाया जा सके और पानी के साथ भी उगाया जा सकता है। ये जो क्रॉप है वो सेंसिटिव है ह्यूमिडिटी के ऊपर, मतलब भेज के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर। 40 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जब जाता है तो वो उसकी उत्पादकता के ऊपर खराब असर करता है। जमीन, सॉइल कंडीशन, जर्मली ज्यादातर जो कैस्टर को उगाया जाता है, जो जमीन होती है दिवेल उगाने के लिए, वो कमर्शियल फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं होती है। मतलब आप खराब वाली कोई भी जमीन में कर सकते हैं, खराब अच्छी वाली जमीन में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा काफी सालों तक नफाकारक क्रॉप में नहीं रही थी, इसलिए नॉर्मली लोग खराब जमीन में ज्यादा करते थे। जो आपकी फलद्रुप जमीन नहीं है और जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे आप आराम से कर सकते हैं, और उसके कैस्टर के जो सीड्स हैं उसको भी आप बहुत अलग अलग तरह की जमीन में उगा सकते हैं। खाली इतना होना चाहिए कि वो जो जमीन है वो क्या बोलते हैं, गहराई तक उसका खेड़ हो सके और वो पानी पकड़ के नहीं रखे, मतलब नॉर्मली काली जमीन नहीं चल सकती उसके अंदर। ज्यादातर सूटेबल जो जमीन है वो है मध्यम फर्टिलिटी वाली, थोड़ी सी एसिडिक कंडीशन वाली, एसिडिक मतलब जिसका पीएच 7 से नीचे रहता है, और जो रेती वाली जमीन और जो पानी को तुरंत ही छोड़ देती हो, पानी पकड़ के रखे, ऐसी जमीन नहीं चल सकती। आदर्श पीएच 6 के आसपास रहता है यील्ड के अच्छे के लिए, लेकिन देखा गया है कि 5 से 8.5 के बीच का पीएच वाली जमीन भी होती है तो भी उत्पादन अच्छा ही आता है। दिवेल को नॉर्मली बीज के द्वारा उगाया जाता है, अराउंड 4 से 5 किलो बीज सफिशिएंट रहता है एक एकड़ जमीन के लिए, और
इसके अलावा भी डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी और सोइंग मेथड कैसा है, उसके ऊपर भी सीड रेट डिपेंड करता है, सीड की ट्रीटमेंट, बीज का ट्रीटमेंट। अच्छा क्वालिटी और हेल्दी क्रॉप लेने के लिए सीड को ट्रीटमेंट करना कंपलसरी है। शुरुआत में आप सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं उत्कर्ष ट्राइकोस के साथ में 3 ग्राम प्रति किलो सीड के साथ में, उसके अंदर थोड़ा बेल रख सकते हैं, बाद में सुखाने के लिए 4-5 दिन के लिए रखें, और जरूरत लगे तो आप केमिकल फंगिसाइड में कर सकते हैं। अगर आप केमिकल फंगिसाइड में कर रहे हैं तो आप कार्बेडिज्म में उसका ट्रीटमेंट करिए 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से करिए, जिससे कि जो जमीन जन्य जो बीज जन्य रोग है जैसे कि रूट रॉट है, अल्टरनेटिव ब्लाइट है, उससे बचाया जा सके। तो बीज को जो पानी होता है उसमें 18 फंगिसाइड वाले पानी के अंदर 18 से 20 घंटे के लिए रखा जाता है। जहां पर बहुत ज्यादा बरसात होती है तो उसका सीड का प्राइमिंग मतलब कि ऊपर का लेयर निकालने के लिए 1% पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर 3 घंटे तक रखा जाता है, और नॉर्मली बरसात गिरने से 7 दिन पहले उसको लगा दिया जाता है। जमीन की तैयारी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, कम से कम क्योंकि उसको ढीली जमीन चाहिए और ऐसी जमीन पानी पकड़ के ना रखे ऐसी चाहिए, तो 3 से 4 बार उसको प्लाउइंग करना चाहिए ताकि जमीन ढीली पड़ जाए और काफी गहराई तक इसके जड़ें नीचे तक बहुत गहराई तक जाते हैं, तो वो गहराई तक जड़े जा सके उस तरह से खेड़ करने की जरूरत है। 40 सेंटीमीटर तक सबसॉइल अगर मारते हैं तो सीड का जर्मिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जमीन जो है वो बीज और खरपतवार से मुक्त होनी चाहिए, और कोई भी खरपतवार उससे पहले वाले क्रॉप का अगर कुछ भी ये पड़ा हुआ है तो उसको आपको दूर करने की जरूरत है। जो क्लॉड रहता है मतलब उसका जो ऊपर का आवरण रहता है दीवेल का, उसको पहले क्रश करके कंट्री प्लाउ से या हैरो से करके अलग कर दिया जाता है ताकि उसके 2 टुकड़े में कामकाज हो जाए, फिर लगाया जाता है। नॉर्मली कैस्टर को बरसात से पहले लगाया जाता है, जून महीने के अंदर लगाया जाता है, लेकिन पूरे साल भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर पानी की व्यवस्था है तो। नॉर्मली अब गुजरात के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर ज्यादा लगाया जाता है। स्पेसिंग जो रहेगी तो 2 रो के बीच में जो 2 रो बनाते हैं उसमें 90 से 120 सेंटीमीटर रहेगी, और 2 पौधों के बीच में 40 से 60 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रखा जाता है। सोइंग बीज बुआई का तरीका, जो बुआई जो होती है वो प्लाव की प्लाव फरो होता है उसकी मदद से करते हैं, या छेद करके बीज को अंदर डाला जाता है, या फिर हाथ से लगाया जाता है, किसी भी तरह से आप बुआई कर सकते हैं। खाद की क्या जरूरत है, अराउंड प्रति हेक्टर 12 से 13 टन प्रति हेक्टर अच्छी तरह से कंपोस्ट किया हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट डाल सकते हैं पूरे खेत में लास्ट प्लाइंग से पहले, और उसमें डाल सकते हैं। इस कंपोस्ट के अंदर आप माइक्रोब्स, जो हमारा माइक्रोब्स है, नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉस्फोरस का बैक्टीरिया, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का बैक्टीरिया, प्लस ट्राइकोडर्मा वीडी, सुडोमोनास, फैसिलोमाइसिस, सब कुछ आता है, तो वो आप अराउंड 10-12 से 13 टन अगर आप गोबर खाद डाल रहे हैं तो उसके अंदर प्रति हेक्टर आप 5 किलो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे तरह के रोग नहीं होते हैं, जमीन बहुत फलद्रुप हो जाती है, तो वो लास्ट प्लाव से पहले आप दे सकते हैं। दूसरा 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से सल्फर देना चाहिए, जिप्सम के स्वरूप में दे सकते हैं ताकि ईल्ड अच्छी आए, उसका सल्फर की जरूरत थोड़ी रहती है। समय सर अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अगर करते हैं तो ही अच्छा ग्रोथ आएगा, तो ही अच्छा उत्पादन आता है। कैस्टर को नॉर्मली एक अच्छा एनपीके की जरूरत रहती है, उसकी एनपीके की रिक्वायरमेंट रहती है 40-40-20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। बेजल एप्लीकेशन में आप पूरा फॉस्फोरस और पोटेशियम का पूरा डोज और आधा नाइट्रोजन का डोज दे सकते हैं, बाकी का जो नाइट्रोजन का वो 1 महीने के बाद दे सकते हैं। हमारा जो खुद का अनुभव है जो हम अपनी कंसल्टिंग में हम भी करते हैं, ये शेयर करता हूँ मैं आपको। तो इसके बाद में अगर आपका रेन फेड है और वराइटी आपकी देसी वैरायटी है तो आप एनपीके में 45-15-15 एनपीके दे सकते हैं। हाइब्रिड वैरायटी है तो 60-30-30 दे सकते हैं। अगर आपके पानी वाली एरिया में है तो आपकी जो देसी वैरायटी है उसके अंदर आप सिलेक्शन वैरायटी के अंदर आप 60-30-30 दे सकते हैं एनपीके, हाइब्रिड के अंदर 90-45-45 एनपीके दे सकते हैं। रेनफेड के अंदर फॉस्फोरस पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है 100 टका शुरुआत में दे देना है,
50% नाइट्रोजन और पोटेशियम बेजल में देना है, और बाकी का 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में जो अपने बेड चढ़ाते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, पाड़ा चढ़ाते हैं, तब दे सकते हैं। जहाँ पे अपने पानी की व्यवस्था अवेलेबल है वहां पर 100% फॉस्फोरस और 50% नाइट्रोजन और पोटेशियम बेजल में देना है। बाकी क्वांटिटी दो इक्वल भाग में 30 और 60वें दिन सोइंग के बाद दे सकते हैं। 12.5 किलो के हिसाब से जिंक सल्फेट और 25 किलो के हिसाब से फेरस सल्फेट प्रति हेक्टर कर सकते हैं। ये जो शेड्यूल का आइडिया दिया है मैंने, उसको हमने एक चार्ट फॉर्म में बनाया ताकि सबको इस्तेमाल करने में काफी आसानी हो जाए। तो प्लांटिंग के समय आपको माइक्रोब्स और वैमोस को साथ में कोटिंग कर सकते हैं, कंपोस्ट दे सकते हैं 6 से 7 टन प्रति एकड़, जिसके साथ में अपने माइक्रोब्स भी प्रति एकड़ में 2 किलो के हिसाब से मिला सकते हैं। साथ में DAP, SSP, MOP और सल्फर दे सकते हैं। स्प्रेइंग 30 दिन के बाद में प्राइमोल, स्ट्रेसप्री और निमोसिपी का स्प्रेइंग करना चाहिए। 35 दिन के बाद में आप ड्रिप या ड्रेंचिंग के द्वारा रूट्स मल्टीप्लायर हॉर्स पावर या स्ट्रेसप्री दे सकते हैं 10:1:1 के हिसाब से। 40 दिन में यूरिया, MOP और कॉम्बी सॉइल, इसमें जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट दोनों आ जाएगा। 45 दिन में प्राइम ऑल और स्ट्रेस फ्री का स्प्रे करना चाहिए। 60 दिन पर यूरिया, MOP दोनों 50-50 किलो, साथ में मार्बल जी दीजिए 5 किलो, जिसमें यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड, साथ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ट्राइकोडर्मा वेडी, ये सब आता है। स्प्रेइंग की जरूरत है बाद में ताकि अच्छी फ्लावरिंग आए F+ और हॉर्स पावर की। 80वें दिन पे वापस से सेम स्प्रे करने की जरूरत है F+ और हॉर्स पावर की। 100वें दिन में क्योंकि जब दाना बन जाता है तो उसका साइज अच्छा बने उसके लिए F एनहांसर V+ को देने की जरूरत है स्प्रे के द्वारा। और 130वें दिन में भी यही स्प्रे देने की जरूरत है F एनहांसर V+ और 13045। अगर आपके पौधे में आपको विल्टिंग दिखाई दे रहा है, पौधा मर रहा है, तो आप अंकुरी दे सकते हैं प्रति एकड़ 1 लीटर के हिसाब से। सीडलिंग का अल्टरनेरिया है, ब्लाइट है या पाउडरी स्पॉट है, पाउडरी मिल्ड्यू है, तो फंक्री का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कैस्टर का सेमी लूपर है, स्लग कैटरपिलर है, ये सब की फोटो मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में दिखाने वाला हूँ। हेरी कैटरपिलर, स्पाइन कैटरपिलर, वूली कैटरपिलर है, तो बायो क्लिनशिप का 2 से 3 ml के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर कैप्सूल या शूट बोरर है तो आप निमोसिपी का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जो मैं आपको हमारे प्रोडक्ट्स की बात करी है, इन सबके फोटोग्राफ है। ये माइक्रोब्स वैमोस है जो सीड ट्रीटमेंट के लिए देना है, स्प्रेइंग के लिए प्राइमोल, स्ट्रेसप्री और निमोसिपी है 30 दिन के बाद में। 35 दिन में ड्रिप के द्वारा या ड्रेंचिंग के द्वारा हॉर्स पावर, स्ट्रेसप्री, रूट मल्टीप्लायर देना है। 40वें दिन में पोटेशियम और यूरिया के साथ में कॉम्बी सॉइल देना है। स्प्रेइंग में प्राइमोल, स्ट्रेसप्री देना है। वापस से जब आप खाद दे रहे हैं उसके साथ में मार्बल जी देना है, और बाद में स्प्रेइंग करना है हॉर्स पावर और F+ का 2 बार, फिर बीम प्लस और 13045 और एफ एन आंसर का स्प्रे 2 बार करना है अच्छे क्वालिटी साइज के लिए। ये अलग अलग जो रोग है विल्ट के लिए पंखरी, दूसरे फंगस के लिए स्प्रेइंग के द्वारा पंखरी, सभी तरह के कीड़ों के लिए बायो क्लीन स्विप और अपने लूप जो अंदर इली रहती है उसके लिए निमोसिप। ये हमारे सारे उत्पाद हैं जो आप कैस्टर के फार्मिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। पानी, रेन फेड जो एरिया आता है वहां पर पानी देने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पर हफ्ते में 2 बार पानी देना ज्यादा अच्छा रहता है। फ्रीक्वेंसी पानी की डिपेंड करती है सॉइल के प्रकार कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, क्रॉप का स्टेज कैसा है। 2 बार देना है, 1 बार देना है, वो क्लाइमेट के हिसाब से तय होता है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है। इंटरक्रॉपिंग, कौन सा पार्क अंदर लगा सकते हैं, किसान एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अंदर दूसरा एक क्रॉप करके। नॉर्मली दिवेल की खेती के अंदर ग्राउंड नट है, ये मतलब मूंगफली का कर सकते हैं, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द कर सकते हैं, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग कर सकते हैं कैस्टर के साथ में। हर रो कैस्टर के अंदर 6 रो आप मूंगफली दाने की या उड़द की कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग आप कैस्टर के साथ में मूंग की या ब्लैक ग्राम की मतलब उड़द की 1:1:2 के रेशियो में कर सकते हैं अगर आप पानी वाले एरिया में काम कर रहे हैं, और प्याज के साथ भी कर सकते हैं। प्याज को 1.5x1 मीटर के हिसाब से लगाया जाता है, लेकिन पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। इंटरकल्चरल, खरपतवार को दूर करना, खरपतवार का नियंत्रण खूब इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है क्रॉप के लिए, ये वो पूरी ईल्ड के ऊपर काम करती है।
क्योंकि वीड का कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। जो भी खाद दिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट दी जा रही है, मैन्योर और पानी दिया जा रहा है, एक से दो बार निंदामण करना या क्या बोलते हैं, हल चलाना जरूरी है, ताकि दूसरा अर्थ को चढ़ाना भी जरूरी है, मतलब कि पाड़ा चढ़ाना जरूरी है, ताकि जड़ें अच्छी तरह बन सकें और ऑक्सीजन अच्छी तरह अंदर जा सके। केमिकल वीडिसाइड का भी उपयोग करना चाहिए, ताकि वीड का कंट्रोल, खरपतवार का नियंत्रण हो सके। उगने से पहले वाला प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड जैसे पेंडामिथ एलिन है 3 लीटर प्रति एकड़, या फ्लू क्लोर रैलिन है 2 लीटर प्रति एकड़, बुआई करने के 3रे दिन में रखना चाहिए। उसके बाद में हाथ से वीडिंग कर देना चाहिए, 2 बार वीडिंग करना चाहिए, 21वें दिन और 40वें दिन बुआई करने के बाद में। इससे खरपतवार दूर रहेगा और उत्पादन पे कोई गलत असर नहीं आएगा। गैप फिलिंग जो होता है, गैप फिलिंग वो 15वें दिन अपने को आइडिया आ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 15वें दिन जहाँ नहीं हुआ उगा हुआ वहां पर गैप फिलिंग कर लेना। साथ में अगर ज्यादा उग गया है तो थिनिंग कर देना चाहिए, ताकि एक जगह पर एक ही पौधा हो। अब हम देखेंगे अलग अलग तरह के कीड़े क्या नुकसान करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसा उनका नुकसान दिखता है, और उसमें क्या क्या हम स्प्रे कर सकते हैं। कैप्सूल और शूट बोरर, मतलब ये जो फल बैठता है उसके अंदर जो शूट बोरर होता है, ये जो नुकसान रहता है ये कैटरपिलर मतलब इल्ली के द्वारा होता है, कि जो मेन स्टेम के अंदर छोटे पौधों में चला जाता है, बाद में वो कैप्सूल के अंदर चला जाता है। वो ये जो बोरर है पूरे भारत में देखा गया है, जहां पे भी दिवेले की खेती होती है। इसका नियंत्रण करने के लिए केमिकल के अंदर एमामेक्टिन बेंजोएट पिप्रोनिल फ्लूडामेडाइड इंडेक्सोकार्ब नोवेलोक्रोन स्पिनोसिडी सबका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जैविक तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उत्कर्ष का बायोक्लीन स्वीप 2 से 3 ml प्रति लीटर, या फिर आप निमो सीपी 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी आराम से कर सकते हैं। कैस्टर सेमी लूपर, मतलब सेमी लूपर ये थोड़ा आधा आधा ही ये वाला भाग ही लूपिंग होता है, इसलिए इसको सेमी लूपर बोलते हैं, इतना ही भाग टेढ़ा होता है इसलिए इसको सेमी लूपर कहा जाता है। जो इसका जो नुकसान रहता है वो इल्ली भी करती है, और जो एडल्ट बन जाते हैं मौत वो भी करते हैं। और ये इल्ली बहुत स्पीड बहुत जल्दी जल्दी पत्तों को खाती है, और अंदर के भाग से ज्यादा खाती है, और डंडी को छोड़ देती है और पत्ते के भाग को पूरा का पूरा खा जाती है। जैसे ये आपने देखा है कि ये वाले भाग को उसने छोड़ दिया है, रिब को, और बाकी के सबको खा गया है। इसका नुकसान ज्यादातर अगस्त सितंबर अक्टूबर जो पीरियड अभी चल रहा है उसमें होता है। और जो एडल्ट बड़ा वाला जो रहता है वो फल को भी खाना शुरू कर देता है, और सीरियस नुकसान करता है सिट्रस क्रॉप को भी। इसका नियंत्रण करने के लिए आप जो केमिकल दवाइयां मैंने पहले वाली स्लाइड में बताई हैं वो सब आप दे सकते हैं, या आप जैविक तरह से कंट्रोल करने के लिए पैरासिटोड के लिए माइक्रोप्लिटिस ऑफिस यूज कर सकते हैं, या फिर आप उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। स्लग कैटरपिलर, स्लग कैटरपिलर होते हैं वो भी मिड रिब के आसपास के एरिया के अंदर बहुत स्पीड में खाते हैं, और पूरा का पूरा खा जाते हैं, और पूरा पत्ते के बिना का कामकाज कर देते हैं। इसके लिए अलग अलग जो दवाइयों की जरूरत है वो है फ्लूमेंडिमाइड नोवेलोक्रोन स्पिनोसिड थायोडिकार्ब, वो सब कर सकते हैं। जैविक तरह से आप उत्कट बायोक्लीन का नियंत्रण कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हैरी कैटरपिलर मतलब बालों वाले इल्ली, ये भी नॉर्मली पत्ते को खाने का काम करता है। ये जो कीड़ा है पूरे साल एक्टिव रहता है, लेकिन ठंड के समय इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। इसकी मैनेजमेंट के लिए आप लार्वा छोड़ सकते हैं, जैसे हेलिकोस्पिलस मेरिडियम्स, हेलिकोस्पिलस हॉर्सफील्डी, या एपनलेलिस एसपी और डायोस्पोरस एसपी, या आप स्प्रे कर सकते हैं उत्कर्ष बायोक्लीन स्वीप का 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से, या केमिकल के अंदर वो पूरी लिस्ट टेबल के अंदर उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैस्टर बटरफ्लाई और स्पाइनी कैटरपिलर बोलते हैं, ये सीरियस है लेकिन स्पॉडी पेस्ट है, मतलब हमेशा नहीं दिखाई देती है, नॉर्मली शुरुआत के स्टेज में ज्यादा दिखाई देता है। इसके अंदर जो कीड़ा रहता है वो लीफ टिश्यू और पत्तों को खाने का काम ज्यादा करता है, ये इस तरह का स्पाइनी कैटरपिलर इसको कहा जाता है।
इसका नियंत्रण भी, इसको जहां दिखता है वहां पत्ते को तोड़ देना चाहिए जहां पे अंदर है, या उसका बायोक्लीन स्विप का स्प्रे करना चाहिए या केमिकल का स्प्रे करना चाहिए नियंत्रण करने के लिए। वूली 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 कैटरपिलर, ये इसके अंदर जो नुकसान होता है वो कैटरपिलर द्वारा होता है, वो भी पत्तों को खाकर उनको पत्तों को खत्म कर डालता है। और ये वाली इल्ली कैटरपिलर इस तरह का दिखाई देती है, या जो इल्ली दिखाई दे उसको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए और उत्कर्ष बायोक्लीन स्विप का स्प्रे करना चाहिए नियंत्रण करने के लिए। ये हमारा बायोक्लीन स्विप है, निमोस गोल्ड है, इसी तरह से निमोस सिटी भी हमारा आता है, जो ये निमोस 10,000 ppm है। अब हम अलग अलग रोग देखेंगे क्या क्या रोग आते हैं, पहले फंगल रोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सीडलिंग ब्लाइट, जो शुरुआत के समय आता है। ये डिजीज सबसे पहले आता है ध्यान में पत्तों के सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, गोल गोल पैश डल ग्रीन कलर का होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके सब जगह पे फैल जाता है और सड़ा देता है और वो पत्ता ढीला पड़ जाता है। ये इंफेक्शन को अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वो डंडियों तक स्टेम तक पहुंच जाता है और जिसकी वजह से पूरा का पूरा सीडलिंग पौधा मरने के चांस होता है। इस तरह से होता है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है लीफ ब्लाइट और ये पूरा का पूरा पौधा आपका काला होता जा रहा है। पहला पत्ता पीले होते हैं और बाद में ब्राउन होते हैं, उसके बाद में एकदम डार्क ब्राउन होकर काले हो जाते हैं। ऑल्टरनेरिया ब्लाइट, सभी ऊपर के भाग जैसे कि स्टेम है, पत्ते हैं, जो फल उगे हुए हैं और जो कैप्सूल है, सबके ऊपर इसका अटैक हो सकता है। ये कोई भी पोर्शन के ऊपर लीफ के हो सकता है और इरेगुलरली स्कैटर्ड होता है और गोल गोल रिंग बनाता है सब जगह पे। ये जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, बाद में वो ब्लूइश ग्रीन कलर का या सूटी ग्रोथ का डेवलप हो जाता है। जब अटैक बहुत ज्यादा होता है तो जो स्पॉट होते हैं वो गोल गोल करके बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं और तैयार होने से पहले ही पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और बाद में पौधा मर जाता है। इस तरह से देखा गया है कि ऑल्टरनेट या विल्टिंग है। कुछ केस के अंदर जो कैप्सूल होता है वो आधा मैच्योर होता है और विल्टिंग होने की वजह से, ब्राउन होने की वजह से पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है, ड्रॉपिंग होनी शुरू हो जाती है। वो छोटे साइज का होता है, अंडर डेवलप होता है और सिकुड़ हुआ हुआ दाना होता है और उसमें ऑयल कंटेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है अगर ऑल्टरनेटिव ब्लाइट होता है। सर्कोप्सपोरा लीफ स्पॉट, जो उसके अंदर छोटे छोटे एकदम काले रंग के या ब्राउन कलर के पॉइंट होते हैं, जो हरे रंग की रिंग के हिसाब से उसके आसपास हरे रंग की ग्रीन दिखाई देती है। ये क्लियर कट पत्ते के सरफेस के ऊपर विजिबल रहते हैं। जैसे ये स्पॉट बड़े होते हैं, जो सेंटर वाला भाग रहता है वो और पीला होना शुरू हो जाता है, ब्राउन होता है और ग्रेइश सफेद रंग का डीप ब्राउन बैंड होता है और इस तरह से काम होता है। ज्यादा फंगस स्प्रेड होने से वो टाइनी छोटे छोटे जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो काले सफेद सेंटर के अंदर होते हैं। जो डिजीज स्पॉट होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देते हैं पूरे पत्ते के ऊपर स्कैटर्ड जब छोटा होता है, लेकिन एकदम इरेगुलर बन जाते हैं जब बड़े होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्पॉट है सभी जगह पे, अंदर पीलापन है उसके अंदर हरापन आ रहा है। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर सफेद रंग का पाउडर जैसे किसी कुछ स्प्रे कर रखा हो वो उस तरह से दिखाई देता है। वो नॉर्मली पत्ते के ऊपरे स्तर के ऊपर दिखाई देता है, सफेद रंग की फंगस की तरह दिखाई देता है। इसके नियंत्रण करने के लिए आप बेटेबल सल्फर को 0.2% के हिसाब से, या हेक्साकोनाजोल को 2 ml के हिसाब से, या कैरेथन को 0.1 ml के हिसाब से 15 दिन के अंतर्गत स्प्रे कर सकते हैं ताकि अटके। ये नॉर्मली बहुत बरसात गिर रही होता है या ठंड के समय ज्यादा पाउडर मिल्ड्यू दिखाई देता है। विल्टिंग, विल्टिंग के अंदर पूरा का पूरा पौधा पत्ते ढीले हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। जो पौधे बीमार होते हैं वो एकदम एकदम बीमार जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं जिनके ऊपर विल्टिंग लगी होती है। विल्टिंग के अंदर पहले प्लांट ढीला होता है, फिर उसके बाद उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, फॉल आउट होता है, पत्ते ढीले हो जाते हैं, पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और फाइनली वो पौधा पूरा का पूरा मर जाता है।
जो पीलापन जो होता है पौधे का, जो स्टार्ट होता है वो मार्जिन से शुरू होता है और नसों के बीच में जाकर बाद में पूरा पत्ते को वो पीला कर डालता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, विल्टिंग के लिए आप बायो क्लीन स्वीप सॉरी पंखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखी के अंदर अलग अलग तरह की फंगस रहती है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी, ट्राइकोडर्मा हार्डेनियम, एम्पेलोमाइसिस क्विस्कोलिस और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज रहती हैं। ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्प्रे के द्वारा और जमीन में देने के बाद ये सब फंगस दूर होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और इसके लिए क्या फर्टिलाइजर देना चाहिए। नाइट्रोजन की कमी के अंदर, नाइट्रोजन कमी नॉर्मली पुराने पत्तों में दिखाई देती है, बाद में नए पत्तों में दिखाई देती है। पूरा का पूरा पत्ता पीला दिखना शुरू हो जाता है, पत्ते की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है और लाइट ग्रीन कलर की होती है। इसके लिए नाइट्रोजन खातर जैसे कि यूरिया दे सकते हैं, अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं, स्प्रे में आप पोटेशियम नाइट्रेट दे सकते हैं। फॉस्फोरस की कमी के अंदर पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉस्फोरस होती है तो पत्ते जल रहे हों और एकदम गुलाबी कलर के हो गए हैं, गुलाबी कलर के हो रहे हैं, फल भी गुलाबी रंग के हो रहे हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। इसका दूर करने के लिए आप 2 से 3 बार हमें जो रिकमेंडेशन है अलग अलग क्वांटिटी के अंदर SSP या DAP देना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो स्प्रे के द्वारा 12x0.0-34 हॉर्स पावर का स्प्रे कर सकते हैं, इससे फॉस्फोरस की कमी तुरंत दूर हो जाएगी। पोटेशियम की कमी के अंदर पुराने पत्तों में दिखाई देता है, जो पत्तों के जो धार होती है वो पीले पड़नी शुरू हो जाती है और उसके बाद पूरा का पूरा पत्ता अंदर की तरफ से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटैश नीचे जमीन में दे सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं SOP का या 13-045 का। मैग्नीशियम की कमी के अंदर ब्राउन्स कलर का पत्ते पे होना शुरू हो जाता है या कॉपर का कलर का पत्ता होना शुरू हो जाता है, मेच्योर पत्ते में पीला स्ट्रीक बनना शुरू हो जाता है मिड रिब के आसपास। ये कैसे कैसे काट लगा हो इस तरह का आ जाता है। और वी शेप का जो डार्क ग्रीन कलर ये देख रहे हैं, वी शेप बन रहा है इसके रिब्स का। इसका दूर करने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर जो नए पत्ते होते हैं वो पूरे के पूरे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं मिड ड्रिप के सिवाय। पत्ते की नई की साइज छोटी हो जाती है, पत्ता कड़क हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है और पत्ता गिरना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा जो डेफिशिएंसी होती है तो पत्ता पूरा का पूरा पीला हो जाता है और हरे रंग की लाइन रह जाती है मिड ड्रिप के अंदर। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन का पीएच 7.5 से ज्यादा है तो आप FE-EDTA यूज करिए, 6.5 से कम है तो आप DTBA यूज करिए। जमीन में दे रहे हैं तो FE-EDHA दीजिए 6 से 6% का। ये सब हमारे प्रोडक्ट हैं। और आप अगर लूज फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो आप फेरस सल्फेट भी जमीन में दे सकते हैं। बोरॉन की डेफिशिएंसी, बोरॉन की डेफिशिएंसी जो दिखाई देती है तो पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं, पत्ते पूरे किसी ने पत्तों को दबा दिया हो ऐसा लगता है और पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं और कड़क हो जाते हैं। इसके अंदर दाना भी अच्छी तरह नहीं बनता है, दाने की शेप भी अच्छी नहीं आती है। इसका कमी दूर करने के लिए आप जमीन में दे रहे हैं तो बोरेक दीजिए, स्प्रे के द्वारा या ड्रिप के द्वारा आप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट जो हमारा बीशेप के नाम से आता है, कैल्सी बोरॉन जिसमें 5.5% बोरॉन आता है उस पर स्प्रे कर सकते हैं, या एपेनहेंसर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और बोरॉन आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं बोरॉन की कमी दूर करने के लिए। हार्वेस्टिंग मेच्योरिटी कितने दिन में होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वैरायटी है। ज्यादातर जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, जो हाइब्रिड वैरायटी है, वो 140 से 175 दिन में तैयार हो जाती है। जो इंडिकेशन रहता है डीवेल की तैयारी का वो रहता है 1 से 2 कैप्सूल जो होते हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में एक दो सूखे दिखा है तो आप पूरे के पूरे जो बंच रहता है, क्लस्टर रहता है, उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर तैयार नहीं हुआ है और उसको आप करते हैं तो उसका ऑयल के कंटेंट, जो ऑयल बनने की जो प्रक्रिया है या क्वांटिटी है उसके ऊपर असर आता है और वो नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा जब तैयार हो गया हो, सूख गया हो, मतलब पूरा बंच तैयार हो तो ही उसको तोड़ना चाहिए। जब पूरा का पूरा क्रॉप को आपने कलेक्ट कर लिया है उसको फिर धूप के अंदर कुछ दिनों के लिए सुखाना चाहिए, फिर ट्रैशिंग कर उसको मार के मतलब झूड़ कर ड्राई कैप्सूल को अलग कर देते हैं डंडी से।
नॉर्मली गांव के अंदर किसान जो होते हैं वो बैल को चलाते हैं, उसके ऊपर बांधकर। नॉर्मली विनोइंग इसी तरह से होता है। और आपके जो शेल रहता है उसके साथ भी बेच सकते हैं, या उसको बीज को अलग भी कर सकते हैं। जनरली डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है, सॉइल टाइप क्या है, इरिगेशन कैसा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। तो भी एवरेज में बरसाती बरसात वाले एरिया के अंदर 250 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है। मिक्स क्रॉप किया रहता है तो 100 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर होता है। और एकदम इरिगेटेड क्रॉप है और हाइब्रिड लिया है तो 550 से 800 किलोग्राम प्रति हेक्टर उत्पादन आपको कैस्टर का मिलता है। ये अलग अलग तरह की एफिशिएंसी का चार्ट है। आपको मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं अमेजन पे, हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स, फिर एग्रोशिया, एग्री बेगरी, बिग हार्ट, इन सब में हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और इस जो इनके अलावा भी हमारी कंपनी काफी सारे उत्पाद बनाती है, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स की कंपाउंड रेंज है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, फॉस्फोरस सोलिबलाइजिंग, पोटैश जिंक सोलिबलाइजिंग, सल्फर सोलिबलाइजिंग, पैडी के लिए मतलब चावल के लिए, चावल की खेती के लिए भी बनाते हैं माइक्रोब्स। बायो पेस्टिसाइड है जिसमें बैसिलस सबटिलस, मेटरिजियम, ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम, बीटी, बैसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, बीवेरिया बासियाना, वर्टिसम लिकेन, और इन सब का मिक्सचर से भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो इल्ली के लिए, नेमेटोड्स के लिए, ग्रब्स के लिए, टर्माइट्स के लिए, फंगस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईडीडीए फर्टिलाइजर्स रहते हैं, जैसे हमारे कैल्शियम ईडीडीए, मैग्नीशियम ईडीडीए, पैरास ईडीडीए, जिंक ईडीडीए, कॉपर ईडीडीए, मैंगनीज ईडीडीए, इस सब का कॉम्बिनेशन, कॉम्बी टू डबल कॉम्बी, जिसमें 6 के 6 माइक्रोन के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी आता है, साथ में मोलिब्डेनम अपना कोबाल्ट भी आता है। मिसलेनियस फर्टिलाइजर जैसे कि बोरॉन का डॉट, डाइसोडियम ऑक्टावर्ड, एपीएडहा, सिलिका कॉम्बी, ग्लूकोनेट, पेरस ग्लूकोनेट, एक्वेरियम प्लांट्स के लिए एक्वेरियम एडिटिव जैसे मैग्नीशियम, पेरस, मैंगनीज, कॉपर, इन सब का कॉम्बिनेशन रहता है। पूरी रेंज रहती है, पूरी रेंज हमारे पास में एक्वेरियम प्लांट्स की। फिर एमिनोचिलेटेड फर्टिलाइजर, स्प्रेडर, पीएच बैलेंसर, वाटर सोल्यूबल की भी संपूर्ण रेंज है हमारी कंपनी बनाती है। हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, उनके लिए मीडिया भी है जैसे बफर कोकोबीट, कोकोबीट वर्मिक्यूलेट, परलाइट वगैरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट, नीम के, कैस्टर के सब भी रहता है। डिजिटल प्लांट प्रोटेक्ट है, जैसे नीम ऑयल के अलग अलग तरीके वेरियंट से 300 ppm, 1500 ppm, 10000 ppm, 50000 ppm, या कोल्ड प्रेस नीम ऑयल, फिर शील्ड, थ्रिपोज, माइटोज, वायरोज, वायर इम्यून, फंगनील, नीमोसिकी, प्रीमियम नीम ऑयल, एमिल्यूर, ट्यूल्यूर, नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे यूमिनोज है जो हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, एमिनोज, साइमोज, बीम प्लस, फेम गोल्ड, ब्लैक पर्ल लिक्विड यूमिक एसिड, एंथर, रूट्स मल्टीप्लायर, रिलीज, ये सब भी बनाते हैं। स्ट्रेस फ्री यूमिक बुल्बिक एमिनो सीवीड का कॉम्बिनेशन। सवाल है तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, आप मेरा डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, कुछ भी सवाल हो फोटो के साथ भेजिए ताकि आपका हर सवाल का हम जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच आपको अंत तक हमारा वेबिनार देखने के लिए। ये वेबिनार आपको यूट्यूब में भी आपको जब चाहिए तब आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया।